फिर स्टार्ट। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद तो न्यायिक राजधानी क्यों कही जाती है? उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश। अब बताइए, इस समय पूरे भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? सर, पूरे भारत में 25। अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। सर, मैंने ग्रेजुएशन कानपुर में से किया हूँ। 2015 में पास हुआ। बीएससी किया हुआ है। बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। यानी साइंस के विषय में इसमें पढ़ाई होती है। तो साइंस में आपने क्या क्या कौन कौन सी साइंस पढ़ाई? फिजिक्स के बारे में आप बताइए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किन और नियमों से जाना जाता है? गैलीलियो और जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है अगर कोई भी वस्तु है अगर उसके ऊपर हम बाहरी बल न लगाए तो उसमें विस्थापन नहीं होता है, तो कोई बाहरी बल लगता है। जड़त्व का नियम ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील है, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल लगता है। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल दीजिए। पहला नियम जो है कोई एग्जांपल से हमें। सर, जैसे कांच में अगर हम बंदूक गोली मारते हैं तो उसकी तेज होती है, पीछे कहीं पर जाती है। इसमें पहला नियम तो नहीं फिट हो रहा है। सर, पहला नियम फिट हो रहा है। अगर हम गाड़ी पे बैठे हैं और अचानक धीरे होते हैं आगे हो जाती है। ये है, ठीक है। अच्छा, विस्थापन के बारे में सुना है आपने? विस्थापन क्या है? सर, दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या इसका मतलब होता है? मीटर यानी दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में और बड़ा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना कौन सबसे बड़ा है? सर, जनसंख्या की दृष्टि हमारा प्रयागराज। प्रयागराज कितनी जनसंख्या है? लगभग सर 7 लाख। 7 लाख के आसपास। अच्छा, साक्षरता कितनी प्रयागराज की? 72%। तो अपने भारत की जो साक्षरता दर है इससे कम है कि ज़्यादा है? सर, भारत से ज़्यादा है। भारत से ज़्यादा? भारत की कितनी है? भारत की इससे ज़्यादा है। भारत की साक्षरता दर से ये कम है। यूपी की साक्षरता दर से ये ज़्यादा है। यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 67.26। अच्छा, यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.76। अब बताएं, पहले मुख्यमंत्री यूपी के, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय कौन है? ये कौन से नंबर के हैं ये? अच्छा, व्यक्तिगत रूप से 21वें हैं, वैसे क्रमांक के अनुसार 32वें। हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर, कानपुर देहात। कानपुर देहात। क्या नाम है इनका? अच्छा, अभी जो हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ था वो लास्ट लोकसभा चुनाव कब हुआ था? सर, 2016। अब कब होगा? 2022 लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2022 में होगा। जो हुआ था वो कब हुआ था? 2016। अच्छा, विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 2020। विधानसभा चुनाव कब हुआ था? अभी आने वाला है। तो जो हुआ था वो योगी सरकार कब बनी है? 17 में बनी। ठीक है मैम जी, जाइए। एक काम करना, बाहर जाना, जैसा मैं क्वेश्चन पूछा ना किसी को बताना नहीं है। उसमें लिस्ट में सेकंड नाम जो है। हाँ सर, कौन सा है?
आप अपने पिताजी का नाम बिना जाति दर्शाए भी बताइए। अजय। आप कहाँ से हैं? सर मैं गोरखपुर से हूँ। कौन से जिले में आप? सर गोरखपुर। उसमें कितने जिले हैं? चार। आपका सब्जेक्ट क्या था? हमारा सब्जेक्ट अंतिम वर्ष में सर समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का जनक कौन है? सर अगस्त कामटे जी को समाजशास्त्र का जनक। ठीक है, आपने ऋषभ नाम बताया, ऋषभ शब्द का क्या मतलब है? सर ऋषभ शब्द का अगर माना जाए तो नैतिकता माना जाता है, सात्विकता, नैतिकता। तो नैतिकता जनरली लोगों में अगर हमें देखना है कि कौन व्यक्ति ज़्यादा नैतिक है या कोई कम है, इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? सर उसके आचरण से, बात व्यवहार और आपके सब नाम का ही मतलब नैतिक है, तो क्या नैतिकता आप में है? लोगों से आप अगर तुलना करें तो लोगों से, उनकी तुलना में आप में नैतिकता क्या है ज़्यादा? जी सर। कैसे आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि लोगों से आप ज़्यादा नैतिक हैं? सर मैं थोड़ा मतलब हर जगह एडजस्ट कर लेता हूँ किसी भी सिचुएशन में। अच्छा, मुझे लगता है मतलब हर जगह मतलब सहयोगी। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं आपने बताया, तो गोरखपुर में कुछ ऐसा है जो इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे फेमस है? सर वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इसकी लंबाई 1388 मीटर। अच्छा, ये वर्ल्ड में पूरे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। कुछ और भी है ऐसी चीज़ें जो इंडिया लेवल पर या यूपी लेवल पर फेमस हो? जी सर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, जो मतलब वहाँ पे ना वहाँ का नाथ संप्रदाय विश्व का एक प्रमुख केंद्र है, और गोरखनाथ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मतलब पर्यटक स्थल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और रामगढ़ ताल जो है लगभग 1700 एकड़ में फैला हुआ तालाब है जो सड़क के किनारे है। और यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? सर वर्तमान में 7 विधानसभा 7 विधानसभा सीट है। किस जिले की विधानसभा सीटें मैक्सिमम है? सर सबसे ज़्यादा प्रयागराज। कितनी है? 12 सीटें। इस समय आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन हैं? सर माननीय श्री शीतल पांडे जी हमारे अटल विधायक। किस पार्टी से हैं ये? सर ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बताइए, कब गठन हुआ था इसका? सर इसका गठन 1900 ठीक है, ये बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं के नाम बताइए। सर भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और शाह जी कौन सा विभाग देखते हैं? सर उनके अंदर वित्तीय मंत्रालय मंत्रालय। अच्छा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय श्री शिवराज चौहान जी हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है केंद्र में? विदेश मंत्री सर माननीय श्री एस जयशंकर जी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर। आप बताइए कि न्यूटन का जो लॉ है उसमें उन्होंने जो 3 नियम दिए हैं किससे संबंधित है? गति से संबंधित है। उनका तीसरा नियम थर्ड लॉ क्या कहता है? तीसरा नियम क्रिया नियम। इसका कोई एग्जांपल दे के आप बताइए। सर जैसे हम अगर कहीं पे अगर मान लीजिए हम बंदूक से गोली छोड़ रहे हैं तो वापस हमको वो उसका जो है दबाव पीछे भी पड़ता है, धक्का लगता है, बंदूक से गोली अगर छोड़ती है तो धक्का लगता है, मतलब ये कि जितना बल आगे लग रहा है उतना पीछे लगता है। मतलब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। बल को परिभाषित कर सकते हैं? बल क्या है? खिंचाव को ही बल करते हैं। मोबाइल जानते हैं आप? जी। मोबाइल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सर मोबाइल पर कितना साथ ही रखा है, कब से कब से होता है, जो भी चीज़ अगर किसी होती है वो सब मोबाइल में आ गए, मोबाइल में जो आपके पास फ़ोन है सिम फोन या स्मार्टफोन, इसकी कोई तीन उपयोगिता या लाभ होता है सर? इससे हमको कहीं जाने के बजाय सर अपना जो है संपर्क कहीं भी संपर्क किसी कोने में साध सकते हैं। और दूसरा सर पढ़ाई के क्षेत्र में इस समय कोरोना काल में जो है स्मार्टफोन से पढ़ाई में उससे मदद की, बहुत मदद मिली है, रह के भी पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है सर, वेरी गुड, चाहिए ठीक है। हाँ यहाँ शोर ना मचाओ भाई, अंदर चले जाओ, आप लोग अंदर बात करो, यहाँ शोर ना मचाओ। अगला भी सर आई कम बैठे, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किस मंडल में आता है? इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? कौन कौन से? इलाहाबाद की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं? अच्छा, प्रतापगढ़ की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं? प्रतापगढ़ किस मामले में फेमस है? आंवले के लिए, आंवले का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो केवल प्रतापगढ़ में ही ये है या इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सर इंडिया लेवल पे ही प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। आंवले का क्या उपयोग है? सर आंवले से हम चौनप्रास बना सकते हैं, अचार भी बनाते हैं, मुरब्बा भी बनाते हैं, आंवले में सर विटामिन सी पाया जाता है। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपने? स्नातक। किस वर्ष किया आपने? 2012 में। 2012 के बाद से अभी तक आपने क्या किया? अच्छा, तो इस बीच में आपने किन किन परीक्षाओं के फॉर्म भरे? तो इन परीक्षाओं में क्या काम रहेंगे? ठीक है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कहाँ पे आई? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? एक अनुपात होता है, लिंगा अनुपात कहा जाता है, ये क्या है और क्या दर्शाता है? नहीं, लिंगा अनुपात दिखाता है पुरुष कितने पुरुष के लिए, 1000 पुरुष के लिए कितनी महिलाएं, ये दर्शाता है। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? जौनपुर का। कितना है? एक हजार पुरुष पे 1024 महिलाएं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अब बताइए यहाँ पर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त ऐसी क्या चीज है इलाहाबाद में जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है? प्रतापगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? अच्छा, तहसीलें कितनी है प्रतापगढ़ में? 5। पांच कौन कौन सी? सरपट्टी है, सदर है,
आपकी तहसील कौन सी? आपके वहाँ पे स्कीम कौन है? आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? तीन महिला मंत्रियों के नाम बताइए। माननीय स्वाति सिंह, माननीय गुलाबो देवी, माननीय निर्मला कटियार। इसमें निर्मला सीतारमण जी क्या देख रही है, कौन सा विभाग? स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने, क्या देख रही है? महिला कल्याण। ठीक है निशु जी, आप महिला संबंधित तीन योजनाएं रामगढ़ का सक्षर और जैसे रामगढ़ जिले की उसकी स्थापना हुई थी ठीक। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सनोज कुमार है। कहाँ से आए हैं सर? बस्ती जिला। बस्ती जिला से? बस्ती जिला किस मंडल में आता है सर? बस्ती स्वयं मंडल। स्वयं मंडल कितने जिले आते हैं मंडल से? सर तीन। तीन आते हैं, कौन कौन से? सर बस्ती, सिद्धार्थनगर। बस्ती से कौन कौन से जिले सटे हैं सीमा से? सर अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और गोंडा, अयोध्या। बस्ती जिले का नियम कौन है सीमा? सर श्री सौम्य अग्रवाल। सौम्य अग्रवाल। आपके यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? सर पाँच। कौन कौन सी? सर विधानसभा, माधेवा विधानसभा और विधानसभा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे कौन है विधायक? सर माननीय श्री रविशंकर जी। किस पार्टी से हैं? सर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा से। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सर माननीय श्री पूरी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है सर, पूरी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आप भाजपा के दो बड़े मंत्रियों के नाम बताइए, जो सबसे बड़े हुए इस समय। राजनाथ जी कौन सा विभाग या मंत्रालय देख रहे हैं? सर रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। इससे पहले राजनाथ सिंह जी क्या देखते थे? ठीक है, पहले रक्षा मंत्री का नाम पता है? प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जी सर वासुदेव जी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ क्षेत्रफल भी छोटा है। संख्या में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? यूपी की कितनी है? यूपी का साक्षर पॉइंट जीरो। सबसे कम, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की? सबसे कम सर बिहार की। इसमें बिहार के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? माननीय नीतीश कुमार जी। और राज्यपाल? सर अभी माननीय श्री फागू चौहान। आपकी पढ़ाई कहाँ तक? स्नातक। स्नातक में क्या किया आपने? विज्ञान रसायन विज्ञान। स्नातक आपने बी एस सी किया हुआ है। आप बताइए विस्थापन क्या होता है?
केमिस्ट्री के बारे में आपको केमिस्ट्री में हम किस विषय पर बात करते हैं, किस विषय का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रमाण क्रमांक जिसका अधिक होता है सर और प्रमाण भार कम होता है उसे सर एक समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब जिनके प्रमाण क्रमांक समान होते हैं और जिनके प्रमाण भार समान होते हैं वो समान। कोई बात नहीं सुनो जी, आप नेपाल बस्ती जिले में हैं तो नेपाल में सर बॉर्डर पड़ता है जी सर, तो आप नेपाल के में कितने बॉर्डर पड़ते हैं यूपी के? यूपी सर 7 जिला है। नाम बता सकते हैं? चलो ठीक है। आपका श्री बस्ती जिले में गौतम बुद्ध से कोई संबंध है? सर जिले से नहीं है लेकिन मंडल से है सर। आप सारी विभाग के मंत्री बताएं आपके कौन? जी सर कौन? माननीय श्री राम नरेश सर। राम नरेश सर, आबकारी शब्द का क्या मतलब है? आबकारी शब्द मतलब सर होता है जिसमें अवैध अरे शराब राब मतलब मादक पदार्थ जिसमें सर आते हैं वो आबकारी विभाग से। ठीक जी, ये बताइए आप इस विभाग में क्यों आना चाहते हैं? सर ये एक स्थायी रोजगार है और इसके तहत सर मैं अपने परिवार को सुविधा प्रदान कर सकेंगे और समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप ऐसे समाज सेवा नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सर मेरा एक असहाय रोजगार हो जाएगा मेरा जीवन आप। चलो ठीक 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 है जी, धन्यवाद। क्या मतलब है सब का? सर हैंडबुक का मतलब होता है शैली और सर फील। कहाँ से हैं भाई? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर ये उत्तर प्रदेश में किस छोर में पड़ता है? पूरा प्रश्न मतलब सुल्तानपुर प्रदेश का सर सुल्तानपुर यूपी में किसी ऐसे पॉइंट से फेमस है जिसका जिक्र होता हो? इसका दुर्गा पूजा का जो सर उत्सव होता है क्या अलग है इसमें वहाँ पे जो इसकी वजह से ये फेमस है? सर जो दुर्गा पूजा का सर विसर्जन होता है हर जगह पे कश्मीर में होता है। अच्छा, सर जो दुर्गा पूजा यहाँ पे स्टार्टिंग होती है सर वो कश्मीर से स्टार्टिंग होकर इसकी जो विसर्जन होती है वो पूर्णा को इसलिए सर ये फेमस है। कितनी विधानसभा सीटें हैं आपके यहाँ? सर 5 है। 5 हैं सर। कौन कौन सी? सर जैसलपुर है सर, बल्दिया है और सर गाजीपुर है और सर सदर सुल्तानपुर है। ठीक है, तहसील कितनी है? तहसील 5 है। अच्छा, आपकी तहसील कौन सी? सर जैसी सुल्तानपुर में। डीएम कौन है? सर हरीश कुमार। हरीश कुमार, आपकी पढ़ाई कहाँ तक की? मैं चाहती आपने बी कॉम किया। बी कॉम का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा बैचलर ऑफ कॉमर्स। बी कॉमर्स की पढ़ाई आपने की है तो कॉमर्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? आपने वैट सुना है? वैट क्या पूछा है इसका? वैट जीएसटी क्या मतलब है? जीएसटी सर सर अप्रत्यक्ष कर होता है सर, कुछ परसेंट निर्धारित करती है सर और उसी हिसाब से टैक्स भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर
सर जो प्रत्यक्ष कर होता है सर वो व्यक्ति विशेषियों के आय पर लगता है। अच्छा। और सर जो अप्रत्यक्ष डायरेक्ट कर जो होता है सर वो वस्तुओं पर और सर सेवाओं पर आ रहा है। बाजार क्या होता है? बाजार सर ये निर्धारित स्थान है जहाँ पे सर वस्तुओं का डायरेक्ट विक्रय होता है सर, और उसे भी विक्रय क्या रहता है सर। बाजार में ऐसी क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि जो है वस्तु की जो मूल्य बहुत ज़्यादा कभी किसी का बढ़ जाता है, तो ऐसी क्या सुविधा वहाँ होनी चाहिए कि मूल्य बढ़े ना? सर तो सर मूल्य न बढ़ने का कारण सर उसको आप प्रोटेक्शन सर बहुत ज़्यादा करेंगे प्रोडक्शन और सर प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी सर तो उसकी डिमांड जो है सर शुरू हो जाए तो सर एकाएक क्या होता है सर उस चीज़ का उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है। अगर कोई दुकानदार अकेला किसी वस्तु को बेच रहा है तो कस्टमर का फायदा होगा कि नुकसान कर रहा है? ऐसे नुकसान नहीं सर, वो जब अकेला ही मार्केट में रहेगा सर उसका ही सौंग है और वो मिला रहेगा सर ठीक है। अंकल जी आप लखनऊ आए हैं इंटरव्यू देने, तो ये फिर लखनऊ को और किन नामों से जाना जाता है? इसको नवाबों की नगरी के नाम से भी सर जाना जाता है। और कोई नाम? और सर ये उत्तर प्रदेश का सर राजधानी है और सर सर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दूसरी सर की प्रशासनिक राजधानी राजधानी। आपका जिला सुल्तानपुर है सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में आपका कौन से जिले में उत्पाद? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सर मेरे यहाँ जो सर बीज का उत्पाद है सर उसके लिए सर इस चीज में आता है। बीज सर बाद बनाने में सर जो सर दलिया होती है दलिया बनाने में और जो गांवों में सर बोलते हैं टोकरी टाइप का जो मतलब यहाँ सर मतलब टोरी टोरी टाइप का सर यूज़ करते हैं। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लगाया गया जैसे यूपी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये यहाँ का ओनली कॉपी होगा, तो इससे लोगों को क्या प्रॉफिट होगा? इससे सर वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट सर जो होता है इससे सर ये पता चलता है कि सर ये इस चीज़ का जो सर उत्पादन हो रहा है वहाँ पे अधिक मात्रा में हो रहा है, तो सर जहाँ पे सर मार्केट बड़ी होती है तो वहाँ पे लोग सर उससे प्रभावित होकर के वहाँ पे जहाँ पे सर अधिक मात्रा में उत्पाद होगा वहाँ पे सर रेट हो सर सर लोगों को उसके बारे में जानकारी हो पाए कि ये चीज़ हमें इस स्थान पर मिल जाएगी। ठीक है आओ भाई सेकंड नेक्स्ट भेजो कानपुर बोलो अंदर पहले बैठे यहाँ सोना जी अंदर आई आपका नाम आशीष कुमार आज फिर दिया कहाँ आशीष जी आपका नाम क्या है? इसका आशीर्वाद शुभकामना अब साफ। आप कौन से जिले से? मिर्जापुर। मिर्जापुर किसका बॉर्डर है? ये राज्य का लगता है एमपी है, उसके बाद पाँच जिले हैं पश्चिम में प्रयागराज और पूर्व में सोनभद्र और चंदौली और उत्तर में जैसा बनारस और संतरम खास नगर बनाया। तो आप बताइए आप राज्य जिला का है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? गंगू भाई छगन भाई पटेल। और राजधानी? राजधानी भोपाल। आपका मिर्जापुर किस किसके लिए विख्यात है? सर हम काली मंदिर। और कोई धार्मिक स्थल? हाँ सर हमारे द्वारा से राम मंदिर काली जो है पौराणिक कितनी विधानसभा सीटें हैं? पाँच है। पाँच कौन कौन सी? जमालपुर मिर्जापुर सदर लालगंज छानवे। आपकी विधानसभा सीट कौन सी है? छानवे। कौन है विधायक वहाँ के? राहुल विकास को। सांसद कौन है आपके क्षेत्र के? माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल। किस
किस पार्टी से हैं? ये अपना दल से। अपना दल से। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अच्छा आप बताएं कि लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश 80 है। ये लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से है, इसका क्या मतलब है? ये सर यहाँ से सांसद चुनके सांसद में जाते हैं दिल्ली, ये जो है केंद्र में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा 31। ये कौन से लोग हैं, कहाँ चुने जाते हैं? सर राज्य से चुने जाते हैं उच्च कोटि के सदस्य जो अपना प्रतिनिधित्व केंद्र में करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में किसको उच्च सदन कहा जाता है, किसको निम्न सदन? राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? सर 80 में राज्यसभा है, 81 में। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार बन सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अगर देना चाहे तो? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक वहां पर शासन कर सकता है? 6 महीने अधिकतम। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। आप बताएं अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है उत्तर प्रदेश? 10 बार। इसके समय में लगा है बताएं, किसी के समय में, इस कार्यकाल में? ठीक है। इस समय यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। इनका मूल निवास कहाँ का है? मूल निवास उत्तराखंड। उत्तराखंड। इनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह। इस पार्टी से है? अपने केंद्र में दो महिलाओं का नाम बताइए। केंद्र में दो महिलाएं जो मंत्री हूँ, वित्त मंत्री है सर सीतारमण निर्मला सीतारमण। स्मृति ईरानी क्या देख रही हैं? ठीक है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सर इंटर। इंटर किस वर्ष की आपने? दो हज़ार दस के बाद से आपने क्या किया? सर ऐसे गांव में रहते तैयारी करते थे, खेती बाड़ी करते हैं। तैयारी और खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी में आपके यहाँ क्या होता है, कौन सा काम? सर हम लोग यहाँ फूल की खेती थोड़ा ज़्यादा होती है। फूल की खेती होती है, कौन सी फूल की खेती होती है? सर हम लोग गेंदा फूल ज़्यादा लगाते हैं। गेंदा फूल, इसका उपयोग कहाँ ज़्यादा किया जाता है? इसका उपयोग सर मंदिर वगैरह चढ़ाने वाले मंदिर में चढ़ाने में ही कहीं और शादी विवाह में डेकोरेशन काम में आता है। और बाकी किस चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? गेहूँ। उत्तर प्रदेश में बेसिकली बनता है कौन कौन सी फसलों की खेती ज़्यादा होती है? सर यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना गेहूँ हुआ। गन्ना गेहूँ और आलू। आपका आबकारी विभाग है, उसमें गन्ने का कितना योगदान है? गन्ने का सर उसमें गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से सर सीरा बनाया जाता है, उसमें सीरा बना के उसी से सर एल्कोहल बनाया जाता है, स्पीड एल्कोहल। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसका रासायनिक नाम? सैफ्रन ऑक्सीज है। वो तो गन्ने का है, एल्कोहल का C2H5OH का इतना आशीष जी आपने इंटर कब किया है? 2010 से 2021 में आपने खेती के नाम आउट किया सर, और कुछ नहीं किए हैं, बस ऐसे तैयारी कर रहे थे। आपने किस कोई एग्जाम दिया? हाँ सर कौन से? सर पुलिस का भी एग्जाम देते हैं, एसएससी जीटी का देते हैं। उसमें आप सर नहीं सर उसमें मेरिट लिस्ट में तो आशीष जी आप ये आप विवाहित हैं? विवाहित। आपने अभी शादी को? सर अभी कल मौसम हो रही है, घर की जिम्मेदारी थी। कैसी जिम्मेदारी? छोटी बहन की उनकी शादी हो गई कल की शुरुआत की शादी। आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर ये सरकारी नौकरी है, उसके बाद सर इसमें आने से फिर परिवार है और मेरा जीवन आगे फ्यूचर होगा। मैं आपका चयन क्यों करूँ? सर मैं चूँकि है दो स्टेट जो कि क्वालिफाई करके यहाँ तक मेहनत करके आया हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी मेरा बेहतर होगा, इसके लिए मैं पूरी कोशिश और अपना पूरा योगदान दूंगा यहाँ पे। आप फोन चलाते हैं? जी सर। क्या है वो? मोबाइल फोन है सर, कुछ संचार।
आप स्मार्टफोन है या फिर वो स्मार्टफोन मोबाइल फोन लगाते हैं? सर इसको हम जहाँ जाए वहाँ लेके चलता फिरता है एक तरह से। अब वो आप कौन सी यूज करते हैं? सर मैं जियो का यूज करता हूँ। जियो का कौन सा आप पता है आप? ठीक है, ठीक है सर। आपके जीवन में ये सही से काम कर रहा है? कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो काफी विख्यात हो। सर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है जो विश्व विख्यात है। कब कब होता है इसका आयोजन? सर ये तो हर वर्ष आता है माघ मेले के रूप में, बाकी ये 12 साल पे महाकुंभ होता है और 6 साल पे खड़ कुंभ होता है। अच्छा, ये महाकुंभ कब लगा था आपकी अंतिम बार लास्ट टाइम? सर ये 2000 महाकुंभ 2012 में लगा और खड़ कुंभ 2019। 12 कब लगी थी? अभी 2024 में। कहाँ कहाँ ये इलाहाबाद के अतिरिक्त कहाँ कहाँ और लगता है? 4 जगह लगता है, जैसा कि प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक, उज्जैन। आप बताइए इसमें उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? सर भाजपा। भाजपा, भाजपा की कोई दो महिला मंत्रियों के नाम बताइए। सर एक तो हमारी राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल और स्मृति रानी है। कहीं की भी हो भाजपा काम में अच्छा है, भाजपा से। अच्छा, इसमें जो राज्यपाल हैं वो कौन है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में? कितनी राज्यपाल महिला भी हो चुकी है? कौन और हो चुकी है? सर सरोजिनी नायडू। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री पहले प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सर श्री पंडित बल। अभी आप बताइए कि जो ये मुख्यमंत्री योगी जी हैं ये किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? सर ये 25वें मुख्यमंत्री में 21वें नंबर में हैं। से 21वें नंबर में हैं क्रमांक में 32वें नंबर। जो उपराष्ट्रपति हैं वो इसमें कौन है? सब उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। किस नंबर के हैं? तेरहवें नंबर। पहले राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति जी। हाँ राष्ट्रपति। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर देखी जाए तो सबसे अधिक किस जिले की है? किस जिले की सबसे ज्यादा है? प्रयागराज। कितनी है लगभग? सर 65 लाख, लगभग 60 लाख। प्रयागराज के बारे में यहाँ पर उच्च न्यायालय है जी, इसकी वजह से इसको न्यायिक राजधानी कही जाती है। इसके अतिरिक्त और कौन सी राजधानी है उत्तर प्रदेश में? सर एक तो ये न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की और कोई राजधानी है?
प्रयागराज नहीं, कोई भी और राजधानी सर, और राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी एक प्रशासनिक राजधानी है जो लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है वो न्यायिक राजधानी क्यों कही जाती है? क्योंकि सर यहाँ ये उच्च न्यायालय है, यहाँ न्याय होता है, इसलिए इसको न्यायिक राजधानी कहा जाता है। साक्षरता दर इलाहाबाद की कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर से ज्यादा है? ये तो यूपी की है, ओवरऑल यूपी की 67.7। हाँ, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की, पुरुषों की सर 57 महिलाओं की है, पुरुषों की 77 यानी महिलाओं की साक्षरता दर एक तरह से यूपी में कम है। ठीक है, भारत का जो राजकीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय कहाँ से लिया गया ये? कहाँ से लिया गया है? अशोक सम्राट से। तिरंगा आपने देखा है, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? तीन कलर कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। क्या दर्शाते हैं ये जो रंग है? सर केसरिया जो है वो साहस का, सफेद क्या दिखाता है? सफेद शांति, शांति का प्रतीक है। और जो ग्रीन है बीच में जो छत्र बना है वो कौन सा कलर का होता है? डीले होती है उसमें, क्या दर्शाता है? गांधी जी के चरखे का दर्शाता है कि समय लगातार चल रहा है और देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसका रेशियो तिरंगे का पता है आपको? लंबाई चौड़ाई का कितना होता है? रेशियो टू होता है, मतलब एक ये मानक है, अगर इस मानक के अनुसार तिरंगा नहीं बनेगा तो वो फिर तिरंगा नहीं कहलाएगा, है ना? यह गलत मानक है तो फिर वो बनाने का उसको अधिकार नहीं होगा। किस कपड़े में बनाया जाता है? खादी के। अगर हम तिरंगे की लंबाई को 12 मीटर रखें तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई थोड़ी होती है, लंबाई थोड़ी थोड़ी लंबाई को अगर हम 12 मीटर रख रहे हैं थोड़ी छाती 8 होनी चाहिए, 12 और 8 तब जाके 3-4 तो आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस है तो आप नेता टाइप में लग रहे हैं, क्या आप पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं? आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं? आप आदर्श कौन हैं? क्या खासियत है उनमें? सर एक तो वो अत्यधिक ईमानदार हैं और बचपन से उनसे हमें अध्यात्म की शिक्षा दी, अध्यात्मिक सर हम स्वयं हैं, मतलब हमें हमारे अध्यात्म गुरु के रूप में हमें हम अपने पिता से हैं। आधार कार्ड में कितने नंबर? सर 10-12 नंबर। लखनऊ से आपकी दूरी जो आई है ये कितनी दूरी है? लखनऊ से प्रयागराज की दूरी है 200 किलोमीटर। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली से। क्या सीट रिजर्व थी? हाँ सर रिजर्व है। इसमें नया नंबर बताया या? हाँ सर बताया। कोई बात नहीं, तो आप अभी अशोक स्तंभ के बारे में बात कर रहे थे,
उसमें सेठ राम किशोर जी दर्शाया गया है, कुछ बायोलॉजी करके जानवर में कोई बात नहीं। इनमें अशोक कितने स्तंभ बनवाए थे शायद आपके इलाहाबाद में भी है, तो ये कहाँ से लिया गया है प्रश्न जो इलाहाबाद में आया था, कहाँ से आया है ये भी यही बनवाए थे अशोक जी इसको बंद करके इसकी चाबी इसी डिब्बे के नीचे रख। ठीक है, तो आप प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज की खास जो है तो स्थान गए जिसलिए प्रयागराज जाना जाता है। सर प्रयागराज एक खास संगम से प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में कहीं और संगम कहीं नहीं है जहाँ जंगल में सरस्वती का मिल है। सरस्वती क्या है इसमें? सर सरस्वती नदी है जो विलुप्त है। कौन सी नदी का मिलाप हो रहा है? सर गंगा जमुना का मिलाप है जो दिखाया था, मतलब सोया है और सरस्वती का मिलाप जो नया जी जमुना नदी या भी यमुना नदी यमुना यमुना तो यमुना की सहायक नदी कोई है तो सर यमुना की घाघरा। आप राज्य सरकार की कोई दो योजना को बताइए जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपके लिए महिलाओं के लिए। सर पहला तो महिला मिशन शक्ति है और सर महिलाओं के लिए ये राज्य सरकार से विवाह मुख्यमंत्री विवाह योजना जो महिलाओं के लिए सफल योजना जी। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर जैसे उत्तर में कुछ उत्तर आप ले रहे हैं सर। हाई अब नमस्ते सर। नमस्ते कैसे? थैंक यू सर। क्या नाम है? जीत नारायण पाल। जीत नारायण पाल। नारायण नारायण शब्द का क्या मतलब है? नारायण शब्द भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, आप भगवान विष्णु का अवतार हैं। आप तो इस नाम का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? धार्मिक हैं आप, भगवान को मानते हैं, क्या भगवान से कोई मदद मिलती है आपको? मिलती है मिलता है कुछ, क्या आपकी मदद मिलती है या बस किसी भी सुकून मिलता है? तो रोज पूजा भी करते होंगे? डेली करते हैं। कितनी पढ़ाई हुई है आपकी? इंटर पर किया है इंटर आपने 2014 के बाद से पढ़ाई आगे नहीं हुई किस वजह से? उसकी वजह से सर हमारा हाई स्कूल बचपन हो गया था। अच्छा, कब से कब तक स्कूल में थे आप? 2013 से 2015 के बाद आपने क्या किया? उसकी वजह से बेजापुर हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, बेजापुर हॉस्टल में रहते हैं, तो कहीं भी कुश्ती होती है वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कुछ उपलब्धियाँ मिली आपको? हाँ सर, बारिश के वहाँ जाते हैं। अब बताएँ आबकारी विभाग में आपका काम क्या रहेगा? वो अवैध शराब भांग गांजा उसकी जो कि अवैध रूप से बनाई जा रही है उसको मुखबिरी करना और अपने स्पेक्टर के साथ रेट डालना इसमें नशीले पदार्थ में शराब भी आ रही है और भी चीज़ें आती हैं, क्या क्या आ जाती है इसमें? ड्रग्स, आबकारी विभाग के जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं सबसे छोटे अधिकारी कौन होते हैं? इंस्पेक्टर होते हैं। आपके जो विभाग के मंत्री हैं वो कौन हैं?
राम नरेश अग्निहोत्री। उत्तर प्रदेश में आप किस जिले से हैं? बनारस से। बनारस किसकी लोकसभा सीट है? नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019 2019 अगला कब होगा? 2023 कितने साल के अंतर में होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। 20 के हिसाब से 5 साल कम होगा? 24। चलिए, इस समय जो प्रधानमंत्री है वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15वें नंबर के। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू। कितना था लगभग? 16 साल। 16 साल 9 महीने। जो राष्ट्रपति जी हैं उनका क्या नाम है? महामंत्री रामनाथ। आप कुश्ती से बिलोंग करते हैं, यानी कुश्ती आपकी हॉबी एक तरह से है, ज़्यादा समय आप कुश्ती नहीं देते हैं, तो कुश्ती के कोई 3 प्लेयर के नाम बताइए। बजरंग पुनिया अभी हाल में चर्चित थे, किस वजह से? अच्छा, ओलंपिक में ही मेडल लिया है। कौन सा मेडल लिया है? कांस्य मेडल लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। अभी ओलंपिक में भारत को कितने इस बार मेडल मिले हुए? 7। कौन कौन से? ठीक है जीत नारायण जी। जीत नारायण जी, आप कुश्ती से रखते हैं चालू, ये कहिए आपने अभी सुशील कुमार नाम लिया जी सर, तो चलो को ये इन्होंने सबसे सर्वप्रथम ओलंपिक में मेडल कब दिया था पहले? सब हो गया कौन सा रूप में? कास्पर ने। और कुश्ती में ओलंपिक में सबसे प्रथम मेडल किसने दिया? सर 1952 में दिए थे सर। कुश्ती रूप में? कुश्ती के रूप में सर केडी यादव। केडी यादव जी। आपका कुश्ती इसको आदर्श नहीं होगा? हाँ सर। आप किसके जैसे बनना चाहते हैं? सर हम तो सर पहलवान है, इसमें उनका ध्यान हो गया सर। कौन सर? मास्टर चंद्री राम। अच्छा, मास्टर चंद्री राम अच्छे पहलवान थे। आप सुशील कुमार कैसे हैं जैसे तुम्हें बनना चाहते हैं? उन्होंने सबसे बढ़िया मेडल दिया भारत में। सर सुशील पहलवान थोड़ा सा सर उनके हम सर चंद्री राम पहलवान हैं सर, तो मेरे मास्टर थे उन्होंने सर 25 साल की उम्र में पहलवानी चल रही है, उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सर अपना नाम हो सकता है। मतलब 25 साल की उम्र में सर पहलवानी आपकी छोड़ देता है, छोड़ देता है पर उन्होंने तब चालू की टीचर थे उसके बाद। तो आप दारा सिंह में और चंद्रिका जी में क्या अंतर समझते हैं, किनको बेस्ट समझते हैं? सर लगभग तो दोनों पार्टी बराबर ही हैं, लेकिन सर दोनों बराबर। चलो, तो इस बार भारत को मेडल कितने मिले पहलवानी में? 7 पहलवानी में। दो कौन कौन? रजत पदक कांस्य पदक। किन के किन रूप में? बजरंग पुनिया कांस्य पदक लाए हैं, रवि कुमार दहिया ने रवि कुमार दहिया राष्ट्रमंडल में कोई योगदान नहीं था? नहीं। और बजरंग पुनिया का देख लेना एक बार पहलवानी। ठीक है, आज ये समय ठीक है ठीक है, जाओ जल्दी भेजो किस गया करना मैं देख राष्ट्रमंडल पता मैं बताए आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक, अभिषेक शब्द का क्या मतलब? सर अभिषेक शब्द जनता सरकार। और कोई शब्द का अर्थ बताइए? उसके अंतर्गत जैसे अभिषेक या कहाँ से हैं आप? सर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद से प्रयागराज किसने रखा और कब रखा? सर 1883 में रखा।
नहीं, इलाहाबाद से प्रयागराज अभी 2018 इसने बताइए सर, इसका नाम पहले इलाहाबाद से पहले प्रयाग था, तो प्रयाग से इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने रखा था। इलाहाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इलाहाबाद शब्द का शाब्दिक अर्थ स्थापना कब हुई थी? प्रयाग प्रयाग पर इलाहाबाद को स्थापित अकबर ने किया, इलाहाबाद किसने स्थापित किया? अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का स्थान जो है इन किन चीज़ों में मुख्यता है? इलाहाबाद का स्थान उत्तर प्रदेश में किन चीज़ों में गिना जाता है? ये तो पूरे इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में बताइए क्या क्या है। चीज जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं वो पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में तो एक ही है अपने इलाहाबाद में। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? छः। ठीक है, और क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। अभी आप बताइए कि अभी हाल ताज में जो लास्ट में उत्तर प्रदेश से कोई जिला अलग हुआ है, तो जिले को अलग करके कोई राज्य बना दिया गया, वो कौन सा राज्य है? कितने जिलों को? 13 जिलों। इसके साथ में और भी कुछ राज्य बने थे उत्तराखंड के अतिरिक्त? 3 ये हुए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं? चलिए ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इस समय कितने हैं और राज्य कितने हैं? इस समय अपने राज्य के राज्यपाल कौन थे? नवीन पटेल। इससे पहले कौन थे? ठीक है, ये बताइए आप इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद में और कोई घाट है संभव के अलावा जो बहुत विख्यात है? और यदि भगवान राम एक जब इलाहाबाद आए थे किस घाट से बाहर आए थे? चलो कोई बात नहीं, आप जा सकते जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए आप थोड़ा जल्दी। उत्तर प्रदेश कर दिया जाना चाह रही हूँ, दोनों में से आप किसमें जाना ज़्यादा पसंद करेंगे?
हमें अभी जो पढ़ा हुआ है ये नौकरी का जो है बहुत सारी भी मौका है, मैंने तो इसकी थर्ड पास कर ली है और लास्ट स्टेट का सभी बचा हुआ है और मुझे लगता है कि मैं कुछ क्वालिफाई कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा उम्मीद होती है। अच्छा, मतलब जो पहले मिल जाएगा आप उसमें, ठीक है। आपका भी विभाग में आपको पता है कि आपका काम क्या रहेगा वहाँ? आपने डीजीपी बीजीपी आपकी तैयारी बताई कि आपकी चल रही है, तो ये आपकी पर्सनल राय की वजह से चल रहा है या घर के आप कहने पे ये तैयारी चल रही है? एक टीचर को क्या गुण होने चाहिए? बच्चे अच्छा चाह रहे हैं जी सर, किस प्रकार से उनको हम हैंडल कर सकते हैं? आप बताएं कि आबकारी विभाग के इसमें जो मंत्री हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश की कोई दो ऐसी योजनाएं बताइए जो महिलाओं के लिए अच्छी हो। सर, ये मतलब स्वाधार योजना है, ये मतलब ये महिलाओं से संबंधित है जो घर से निष्कासित की गई हो और मतलब घरेलू हिंसा से प्रताड़ित की हो या वैसे पवित्री की जैसे रही हो, तो उनको जैसे प्रताड़ना देती है, तो सरकार की योजना है कि उन्हें मदद की इस योजना के जरिए उनको मतलब कि वो शिक्षित किया जाए और उनको रोजगार की प्राप्ति के लिए कुछ काम बनाया जाए। और कोई योजना? हाँ सर, एक है मुफ्त योजना जिसमें कि जैसे भ्रूण हत्या से संबंधित, जैसे कि पहले के टाइम में जैसे कि मतलब घर में बन रही जैसे बच्चे हैं पता करते थे कि मतलब वो लड़की है या लड़का, तो इसको मिटाने के लिए मतलब लड़का लड़कियों में डिफरेंट मिटाने के लिए योजना चलाई गई है कि सरकार इसको कार्य भी कर रही है ताकि कोई बच्चा मारा ना जाए माफी जाए पहले। लोग जैसे ये डिफरेंस क्यों जाना चाहते थे? सर इसलिए जाना चाहते थे, लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं देते थे क्योंकि उन्हें बोझ के तरीके से समझा जाता था और इसलिए भी सोचते हैं कि लड़की है और इसलिए हम उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते, लड़कियों को मतलब शुरू से मतलब एक मतलब दृष्टि की नज़र से देखा जाता था। आपकी नज़र में क्या लड़कियां और लड़कों से मतलब आगे हाँ, के पीछे हैं हाँ, कैसे? मतलब आज से 10-15 साल से अब देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से हर एक फील्ड में आगे हैं और पढ़ाई से लेकर ये सारी चीज़ों में आगे सब कुछ कर सकती हैं। फिर लोगों की सोच क्यों नहीं बदल रही? सर सरकार इसके लिए कई सारी योजनाएं बना रही है लेकिन सर अभी भी कहीं ना कहीं मतलब ये सब रूढ़िवादिता है, तो इसी के लिए सर हमें भी सब लोगों को चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका। आपके हिसाब से कोई ऐसा सुझाव जो कि इसमें लोगों को मदद मिल सके, लोगों को जागरूक किया जा सके? हाँ, एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम लड़कियों को बचा भी सकते हैं और उनको पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, सरकार उसके लिए कई सारे अनुदान भी देती है और जिससे कि अगर वो नहीं पढ़ने जा रहे तो सरकार उनकी फीस भी माफ़ कर रही है इसके लिए। और भावी लक्ष्मी योजना भी है जो बच्चों की मतलब 21 वर्ष तक की लड़कियां मतलब निःशुल्क पढ़ सकती हैं और उनके जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक का सरकार तरफ खर्च उठाती है, मतलब वो 21 वर्ष हो जाती है तो उनको 2 लाख की अनुदान राशि मिलती है और ये योजना उन्हीं लोगों को चलती है जो BPL कार्ड्स के मतलब हो। महिला दो कोई नेता या मंत्री के नाम बताइए। आनंदी बहुत और स्मृति ईरानी जी, तो इनसे आपको कोई सीख मिलती है कि इतने बड़े बड़े पदों पे? स्मृति ईरानी जी है महिला विकास मंत्रालय से संबंधित रहती है, जो महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं और ये बाल विकास से बाल बच्चों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके लिए मतलब ये अपनी योजनाएँ और आपको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, किससे सीख मिल रही है? सर ये सारी प्रेरणा मुझे मिली है अपने पिताजी से मिल रही है, मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं कि वो भी देख रखता है वो जो सुना जी आप महिला हैं कांस्टेबल में जाना चाहती हैं, अगर आपको कोई बंदा रास्ते छेड़ता है तो आप कौन से हेल्पलाइन नंबर फोन करेंगे? तो मैं 181 पे हेल्पलाइन पर कॉल करूँगी और मैं सूचित करूँगी कि मतलब मेरे जवाब मेरे को मतलब ऐसा किया जा रहा है और मैं
फिर वो वहाँ पे देखा कि उसके लिए तो कार्रवाई होने वाली नहीं होती है, मुझे उसका प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप शिक्षा के अनुसार उसकी बात करिए। मैं मेरा मतलब कि शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है और बी एड है। इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? इकोनॉमिक्स के जनक है कौटिल्य। आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या आपकी शिक्षण क्या है? हाँ, मुझे शिक्षा मिलती है कि मुझे कैसे मतलब किस हिसाब से बजट अपना बनाना है और उसको कैसे विनिमय करना है और मतलब कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, उस हिसाब से मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। इसका आप फायदा लेते हैं? और कोई सब्जेक्ट तो मेरा इतिहास। केंद्र सरकार की कोई योजना है मैंने संबंधित आपके? केंद्र सरकार से संबंधित है चलो ठीक है, ठीक है जो अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। आजमगढ़ के सांसद कौन है? उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो इनका प्रतिद्वंदी कौन था, निकट प्रतिद्वंदी, यानी इनकी लड़ाई मेन किससे हो रही थी चुनाव में जितने हारने की नौबत आई थी? दिनेश लाल यादव। इस नाम से जाने जाते हैं? सर ये हुआ क्या है ये सर गायक है सर भोजपुरी गायक भी है नायक नायक जी अभिनेता भी अभिनेता ठीक है। आजमगढ़ किस मंडल में आता है? आजमगढ़ सर स्वयं मंडल। स्वयं मंडल सर कितने जिले आते हैं इस मंडल सर? तीन जिले हैं। कौन कौन से? आजमगढ़ बलिया और मऊ। आजमगढ़ बढ़िया और बलिया और मऊ। तो इसकी सीमा से कौन कौन से और जिले सटे हैं आपके आजमगढ़ से? सर छः जिले सटे हुए। छः जिले ये कौन कौन से सर? गोरखपुर सर गोरखपुर अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर जौनपुर गाजीपुर और मऊ। अच्छा आप बताइए कि आजमगढ़ जो है एक तरह से वो इस चीज़ों में फेमस, जैसे नक्सली इलाके के रूप में जाना जाता है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसा कुछ है नहीं जाता है सर, बस मतलब ऐसे बोला जाता है सर, बात है नहीं वहाँ पे कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर लोग ज़्यादा मिलते हैं सर, ये पहले मतलब था मतलब कुछ ऐसे पहले कुछ लोग थे वो गुलशन कुमार का सर जब हुआ था तो उसमें सर आजमगढ़ का सर एक वहाँ की साक्षरता दर क्या है आएंगे सर? वहाँ का साक्षरता अच्छा तो यूपी की साक्षरता दर है 67.7 जो है वो आजमगढ़ की भी इतनी है या कब ज़्यादा है? अच्छा ठीक है। आप बताएं कि सबसे ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश में? यूपी में पुरुष सबसे ज़्यादा किस जिले में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? एकदम सर प्रयागराज। प्रयागराज प्रयागराज में ही पुरुषों और महिलाओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। प्रयागराज लिंगानुपात आप कह रहे थे, ये क्या है? ये तो सर क्या दर्शाता है ये सर? मतलब पुरुष पे महिलाओं का, पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सर 912 1000 पुरुष पे 912 महिलाएँ। किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर नोएडा का। नोएडा सर गौतम बुद्ध नगर जौनपुर का सर जी 1000 पुरुष पे 1000 जौनपुर है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे अधिक कितनी है सर? उसका साक्षरता दर सर है 80। ठीक है सर। तो छोटेलाल जी आपका नाम का क्या है सर? मेरा नाम सर छोटेलाल सर। नहीं आप किस नाम का कुछ है सर? इसका कुछ नहीं मिला है।
हमने ये पैक कर दिया। पैक किया था सर, तो इसमें जो आता छोटा पत्थर का किला छुपा। तो आप ये बताइए, यूपी का जो राज्य है ये कितने राज्य से लगा हुआ है? सर यूपी की सीमा से जो राज्यों से लगी है, कोई बिहार से लगा हुआ है? सिर्फ बिहार से? कितने राज्यों से, यूपी की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? कोई बात नहीं, आप कोई देश से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश की सीमा किसी देश से जुड़ा? सर आठ राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और कोई देश से? सर नेपाल देश। नेपाल देश से जुड़ा है? यस। सबसे ज़्यादा किस सीमे से जुड़ा उत्तर प्रदेश, कौन से राज्य से? सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किससे साथ है? मध्य प्रदेश से। कितने जिले? सर मध्य प्रदेश से सर 12 जिले। चलो ठीक है, ठीक। थैंक यू। किसका नंबर है भाई? सोनू। सफर किया इसमें बीच में कितने जिले पड़े? छह जिले। कौन कौन से? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ और संभल। ये सारे जिले से होते हुए आप आए हैं, है ना? ठीक है। तो सोनू जी इस समय क्या कर रहे हैं आप? इस समय सर स्टडी कर रहे हैं। तो बीच में जो आपका ये समय है 2016 की वैकेंसी है, 16 से इस बीच में आज 2021 चल रहा है, तो इस बीच का समय आपका कैसे बीता? सर कृषि खेती कर रहे हैं। किस चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? गन्ने की खेती। कितना गन्ना उगाया जाता है? 10 बीघा। 10 बीघा गन्ना उगने में आपको कितना लागत लगानी पड़ती है? 1 लाख के आसपास। 1 लाख 10 बीघे में कितनी पैदावार उसमें हो जाती है? कुंटल गन्ने में? हाँ कुंटल में कितने? 800 कुंटल 10 बीघे में। कितने का बिक जाता होगा ये? ये सर 4 लाख। 4 लाख रुपये, 1 लाख लगा करके 4 लाख आप कमा सकते हो। गन्ना जैसे कि नगद फसल के रूप में जानी जाती है, गन्ना उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। और किन चीज़ों में यूपी का पहला स्थान है उत्पादन में? गेहूँ। चावल में कौन सा है? दूसरा है। पहले नंबर पे कौन सा? पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्पादन अगर देश के नजरिए से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला कौन सा है? ब्राज़ील। गन्ने का रासायनिक नाम क्या है? गन्ने से शराब काफ़ी बनाई जाती है ना? एल्कोहल की अगर मात्रा देखी जाए जो शराब मानक के अनुसार आती है, तो एल्कोहल की कितनी मात्रा है वो तो नुकसान ना करेगी? 42.8 यानी उसमें वाटर और एल्कोहल का ये अगर रेशियो होगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। आप बताइए एल्कोहल पीना उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। तो इसका सेवन लोग क्यों कर रहे हैं? एल्कोहल शराब पीना
लोगों के लिए अनुचित है, तो ज़्यादातर लोग कौन से हैं जो शराब का सेवन कर रहे हैं पी रहे हैं? जो मतलब बेरोजगारी की तरफ से परेशान है अपनी टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ा सेवन कर लेते हैं। अच्छा, और जो लोग टेंशन मुक्त हैं इसका सेवन नहीं करते? जी, मतलब कुछ लोग जो परेशान होंगे वो इसका सेवन करते हैं। आप बताइए कि आबकारी विभाग के मंत्री कौन हैं? राम नरेश अग्निहोत्री। राम नरेश अग्निहोत्री, आबकारी जो विभाग था उसका नाम आबकारी विभाग एवं मद्य निषेध विभाग कह दिया गया, तो जो मद्य निषेध है इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो तम्बाकू गुटखा आता ना वो इसमें जुड़ जाता है, इसीलिए से मद्य निषेध। मद्य निषेध विभाग जो है वो पहले अलग विभाग था, अब जुड़ गया है। बेसिकली उसका काम क्या है? उसका काम है लोगों को जागरूक करना कि ये चीज़ फायदे की है कि नुकसान की है, ये क्या क्या नुकसान करेगी, कैसे नुकसान करेगी, कैसे सेवन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। उसमें घर का काम है कि दोनों जी जिले आप योजनाओं से हैं, कोई खास है आपके जिले में? सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से गंगा का प्रारंभ होता है। और ये कौन से जिले से आती हैं आपके? उसके पहले जिला कौन सा पड़ता है? उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है। इसका मतलब आपके लिए उत्तराखंड के बॉर्डर में है। तो आप उत्तराखंड से कितने बॉर्डर लगते हैं उत्तर प्रदेश के? सॉरी, उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं उत्तराखंड बॉर्डर में? 7। कौन कौन से जिले नाम कर सकते हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत। तो आप सुनो जी, आप उत्तराखंड के बॉर्डर से हैं, तो आप बताइए उत्तराखंड के राज्यपाल जी कौन हैं? गुरमीत सिंह जी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी धामी कौन स्टार्ट छुट्टी कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, बिन्नर कितने जिलों से लगा है उत्तर प्रदेश? 4, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा। इसके मंडल के अंतर्गत आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 943। जनसंख्या घनत्व 943। और आप यहाँ की साक्षरता दर क्या है? 68.48। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कोई बचा है अभी? कोई बचा है? आधा समय यहाँ, आधा समय वहाँ, तभी ठीक रहेगा। ये लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। बात सही होती है। आइए तब हमारे बैठिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सरोगी। जितेंद्र, कहाँ से लिए गए आपका नाम? पाँच बजे मुझे प्राप्त हुए। इंद्र से लिया गया। इंद्र क्या थे? कलयुग की। चलो ठीक है। लेकिन इंडिया कहाँ से आए हैं? जौनपुर जिले से आए हैं, लखनऊ। कितने किलोमीटर की दूरी है? 500। कहाँ से आए हैं? कब? किस बस वही बस आए हैं जौनपुर से हैं। जौनपुर ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है, किसके लिए विख्यात है? जौनपुर में अटाला मस्जिद है, शाही किला है, और म्यूजियम है, अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद का निर्माण किस है? गए हैं आप वहाँ पे? देखा है क्या क्या चीज़ वहाँ देखने लायक? बाहर से देखा आप? जौनपुर के ही हैं, जौनपुर में ऐतिहासिक चीज़ें उसको देखिए, है ना? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बी ए। किस सब्जेक्ट से किया? सब्जेक्ट हिंदी और समाजशास्त्र। हिंदी और समाजशास्त्र। हिंदी में जयशंकर प्रसाद की कोई दो रचनाएँ बताइए। प्रेमचंद जी की,
साहित्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? छब्बीस जनवरी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जा रहा है 15 अगस्त? 26 जनवरी को केंद्र दिया था, तक किस समय पूरा किया है? 2017 से आज तक के बीच में क्या कर रहे हैं? किस चीज़ की पुलिस का निकला था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और समाजशास्त्र भी आपका सब्जेक्ट था, समाजशास्त्र के जनक कौन है? ये आपके सब्जेक्ट में समाजशास्त्र के लिए ऐसे कुछ ज्ञान लिया आपने? समाज क्या है? ठीक है, ठीक है, क्या था हमारे पास जो माइक है ना? हाँ सर, मैं लगा के बोल रहा था, हूँ कूलर भी चलता है, फैन भी चलता है, बंद कर दीजिए इसको, स्टार्ट कर दीजिए सर आप।